गुमला में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कार्यक्रम आयोजित कर जिले के मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में मतदाता सूची निर्माण में पूरी सतर्कता बरती गई है। हम तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जिले में जो कंटिन्यूस रिविजन और जो विशेष संक्षिप्त रिविजन चले उसमें लगभग हमने 59,000 मतदाताओं को, नए मतदाताओं को जोड़ा है। इस दौरान उपायुक्त ने मतदाता सूची में पहली बार शामिल युवाओं को मतदाता कार्ड के साथ गुलाब फूल देकर सम्मानित किया। साथ ही अच्छे काम करने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर को भी सम्मानित किया गया। नए मतदाता भी काफी उत्साहित दिखे। मैं पहली बार मतदाता वोट करूंगी। मैं अपने देश के अच्छे नेता का चुनाव करूंगी। मैं पहली बार वोट देने जा रही हूं। मैं अपने राष्ट्र के नेता जो अच्छे तरीके से पूरा देश को चला सके उसको वोट देना चाहती हूँ। गुमला में करीब 59,000 नए मतदाता जुड़े हैं, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। दूरदर्शन समाचार के लिए गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।